हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो ट्यूटोरियल चल रहा है वो है सीएसएस। और इस सीएसएस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम देखने वाले हैं वो है बैकग्राउंड। ठीक है, तो आज के एजेंडे में हमारा बैकग्राउंड है, तो इसमें हम बैकग्राउंड कलर चेंजेस करना, इमेजेस, बैकग्राउंड अटैचमेंट्स और बैकग्राउंड पोजिशन और बैकग्राउंड शॉर्ट एंड जो प्रॉपर्टी है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड्स को। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या करती है, आपको आपके जो एलिमेंट है उसके ऊपर बैकग्राउंड का इफेक्ट्स ढालने के काम में आती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये एक्चुअली एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में एक होती है फोटो इमेज जो अलग से होती है, ठीक है, एक होती है बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड नहीं दिखा रहा है। अगर आप इसे फोटो मानते हो तो इसे अगर आप फोटो मानते हो तो जो आपका एक कलर दिख रहा है वो बैकग्राउंड है। ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेजेस है, ये बैकग्राउंड इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज के लिए इसमें हम जो प्रॉपर्टी है भी जो एस्टिमेट में हम इसमें इफेक्ट एस्टिमेट के जो एलिमेंट्स में इफेक्ट डालते हैं तो हम इनको तो देखेंगे देखेंगे इसमें से कुछ है। ठीक है, तो कलर, इमेज, रिपीटेशन, अटैचमेंट, पोजिशंस। ठीक है, तो हम पारा जो पहला है वो है बैकग्राउंड कलर के बारे में। तो हमारी जो प्रीवियस स्लाइड में आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे कि हम इसमें कैसे प्रॉपर्टी में डालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये पता ही है। ठीक है, तो हम ये इस तरीके से हम जैसे ये प्रॉपर्टी जो बैकग्राउंड कलर अगर हम जैसे लाइट ब्लू दे देते हैं तो इसे पूरा बैकग्राउंड लाइट ब्लू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट होती है, ठीक है, सीएसएस लिए बैकग्राउंड इमेजेस। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो भी एलिमेंट होता है जिसमें हम जो भी टैग होता है अपन, तो उसके बैकग्राउंड में इमेजेस अगर अपन को देनी है तो इससे इजीली हम वो इमेज वहां पे दे सकते हैं। लाइक दिस, जैसे यहाँ पे ये देखो, अगर आप ऑलरेडी आप ये एक आपको एग्जांपल है, आप इसे लिख करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप अपनी जो इमेज है वहां का वो एड्रेस दीजिए। ठीक है, और अगर आप ये देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा बैकग्राउंड रिपीटेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर अपन नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं तो रिपीट, अगर नो रिपीट नहीं लिखे तो क्या हो जाता है बैकग्राउंड में रिपीटेशन आता है। जैसे कि अगर मान लो जैसे अपन ने इसमें ये नो रिपीट नहीं दिया तो बैकग्राउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो ये बार बार क्या बैकग्राउंड क्या हो रहा है, ठीक है, बार बार रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो बार बार आ रहा है, तो अगर अपन को ये नहीं चाहिए तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, रिपीट, जो रिपीट होता है उसके अंदर अगर अपन जैसे रिपीट अगर एक्स लिखते हैं, जैसे रिपीट एक्स, तो एक्स में रिपीट होगा, यानी जो एक्स में है वहीं पे रिपीट होगा, तो इस जो है एक्स में। ठीक है, अगर वाई में लिखते हैं तो ये इधर नहीं होता, ये इतना इतना नहीं दिखता और बाकी इतने में वो रिपीटेशन दिखता। ठीक है, फिर हम देखते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट्स जैसे आपकी जो इमेज देखिए, आपके आगे जो अपनी जो इमेज जो बैकग्राउंड इमेज है उसको फिक्स्ड करना हो, स्क्रॉल मतलब अगर आप उसको जैसे अगर आपको जो डेटा या कंटेंट में डेटा कर उसके साथ स्क्रॉल करना है कि नहीं करना, स्क्रॉल करना तो वो भी कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द पेज इन ब्राउजर विंडोज, ठीक है, तो ये आपके काम में ही आता है, सेट द फिक्स्ड। ठीक है, और स्क्रॉलिंग वगैरह करने में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये अटैचमेंट्स हो जाते हैं लाइक दिस। जैसे कि इसमें मैंने क्या देखा, ठीक है, तो इसमें पोजीशन जो है हमने टॉप राइट में दे रखी है और टॉप में दे रखी है। ठीक है, तो ये राइट टॉप है, और जो मार्जिन है वो, चलो मार्जिन छोड़ो। ठीक है, तो ये अटैचमेंट हमने इसको फिक्स कर रखा है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स है, इसके साथ ये स्क्रॉल नहीं चल रहा। ठीक है, ये फिक्स हो चुका है, अगर स्क्रॉल कर देते तो ये इसके साथ स्क्रॉल होता। ठीक है, स्क्रोलेबल बन जाता है, ये अभी स्क्रोल नहीं होगा क्योंकि स्क्रोल इसके साथ नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको स्क्रोल यहाँ पे स्क्रोल कर देते हो तो इसके जैसे स्क्रोल करते हो तो ऑटोमेटिक स्क्रोल होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, उससे पहले क्या करते हैं कि हम थोड़ा जो हमने अभी तक देखा है उसको थोड़ा सा एडिटर पे ले आते हैं। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा ये लिखा है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप देख करके, हालांकि अगर ये आप ये नहीं भी लिखते, ये ऊपर वाला कंटेंट अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। ठीक है, सिंपल सी ये कंटेंट लिख लेना। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे हैं तो
ठीक है, तो ये एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करें तो उसको आप कनेक्ट करना जरूरी है, तो आप इसको जरूर कनेक्ट कर लें। बाकी इनमें से अगर आप कुछ लिखे या ना लिखे कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। हम इसी में पूरा देखेंगे। तो अभी जैसे बैकग्राउंड आ गया, अभी क्या करेंगे कि इसके साथ अभी हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, ठीक है। तो ब्राउजर पे आ जाते हैं और सिंपली हम क्या करते हैं, पहले इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो भी हम प्रॉपर्टी, जैसे जब भी हम सीएसएस डिजाइन करेंगे तो सीधा हम यहीं से देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड किया, ठीक है। अब मैंने जैसे बैकग्राउंड में दे दिया, तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड में पहले मैं क्या दूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड में मुझे क्या चाहिए पहले, कि चलो कि हम नॉर्मली कलराइज पहले लिख लेते हैं कि कलर के लिए, ठीक है। एक कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ पे लिख सकते, सिंपली लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप जो भी हम कलर लेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, तो ओके। अब ये आपको शो नहीं कर रहा होगा, इसका रीजन है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसका रीजन है काम ना करने का, कि क्योंकि हुआ बात ही हो रही है कि जैसे इसको जो विद है वो चाहिए इसको, जैसे मैं इसको विद में इसको पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा कंटेंट करने के लिए करूंगा इसको 100 पीएच दे देता हूँ, ठीक है। जैसे सॉरी विद है, और जो हाइट है वो 100 पीएच, ठीक है, इतना ठीक है। और सिंपली जो बॉडी है इसको ये कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, तो मैं इसमें जो मार्जिन है 0 कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली इतना ही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब आपको जो बैकग्राउंड जो हमने कलर दिया है वो तो आपको कलर दिख रहा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। और अगर आपको जैसे और रेंडमली अगर आपको चूज करना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको कलर चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने तो वहां से रेंडमली दिया था, तो आप यहाँ से रेंडम जो भी आप कलर चाहते हो आप यहाँ से कलर बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा इमेज के लिए, कि अगर अपन को यहाँ पे अब इमेज देनी है, क्योंकि मेनली तो इमेज ही होता है, ठीक है। सबसे मुश्किल चीज जैसे अपन जब अपने स्टार्टिंग करते हैं तो ये लगता है कि बैकग्राउंड इमेज कैसे देंगे, ठीक है। तो जब मैं पहली बार देख रहा था तो मुझे भी ऐसा होता है, एक होता कैसे, ठीक है, जब मेरे को सीएसएस नहीं आती थी, ठीक है। तो ये भी एक अलग चीज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम बैकग्राउंड इमेज देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम यूआरएल लिखते हैं, ठीक है। अब इस यूआरएल के अंदर आप यूआरएल दीजिए, ठीक है। तो जो हम पहले, जो मैं जैसे पहले ले रहा हूँ, तो मैं सिंपली मेरा जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, जो हमारा लोगो है वो ही मैं यहाँ पे मंगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये आइकन को मंगा लिया, आप सिंपली इसे देख पा रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे आइकन को मैंने यहाँ पे मंगा लिया है। अब लेकिन जैसे ये आपको एक बैकग्राउंड, आपको तो पीछे से कुछ स्पेस आपको दिख रही है, ठीक है, वो भी नहीं। तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक देख लेते हैं, इसके बाद में हम देखने वाले हैं रिपीट के लिए। जैसे आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, आप इसमें बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बहुत रिपीटेशन हो रहा है। तो इस रिपीटेशन को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड जो रिपीट है, यहाँ पे आप मिल जाएगा, ये देखो ये एक्स रिपीट और वाई रिपीट, ठीक है। तो ये आप ये भी आप कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ वो देखो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे आपको जिधर करना हो तो इसे एक्स रिपीट करोगे तो ये एक्स डायरेक्शन में रिपीट करेगा, वाई करोगे तो वाई डायरेक्शन में रिपीट करेगा, ठीक है, ये ठीक है। और राउंड कर दोगे राउंड में, स्पेस करोगे तो थोड़ा स्पेस है, ठीक है। और अनसेट कर दो तो जो डिफॉल्ट वे वो आएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, नो रिपीट, ठीक है, मैं उनमें से कुछ नहीं चाहिए, मैं नो रिपीट चाहिए, कोई भी रिपीट ना करें, तो मैं नो रिपीट, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी जो पोजीशन है वो सेट कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड पोजीशन है, ठीक है, आप एक्स में भी सेट कर सकते हैं, डायरेक्ट वाई में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ से ये लेंगे।
जैसे कि हमने क्या लेंगे, अगर आप बॉटम लेना चाहो, सेंटर लेना चाहो, सेंटर कर सकते हो। इनहेरिट इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, इन दोनों के बारे में। और ये लेफ्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट में कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें क्या कर सकते हैं कि और हम उसमें यूज क्या करें, पहली चीज कि अब हमने पोजीशन देख लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक बैकग्राउंड, इसमें साइज, जो उसकी साइज है वो भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड है आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ऑटो कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे अभी अगर कंटेन करोगे तो पूरे पूरे को ये कंटेन कर लेगा, ठीक है। और कवर करोगे तो पूरे को ये कवर कर लेगा, यानी कंटेन ये यहाँ से यहाँ तक को कर लेगा, कवर मतलब पूरे को कवर कर लेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। और बाकी आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑटो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ खास में डिफरेंस नहीं ले रहा, ठीक है। इसके बाद में अब हमारे पास हम एक और देखते हैं, वो है हमारा बैकग्राउंड ओरिजिन, ठीक है। अब बैकग्राउंड ओरिजिन कितना, अभी इसमें जैसे ये कि जैसे अभी जो बॉर्डर्स है, जिसकी जो बॉर्डर होगी उस बॉर्डर के हिसाब से ले लेता है, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स के हिसाब से हो जाएगा ओरिजिन में, और इसी में एक और भी हम दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेडिंग बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके की हम ऐसे प्रॉपर्टीज हम इसमें दे सकते हैं। इसके अगर जो पेडिंग बॉक्स रहेगा, जो जितने पेडिंग से वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी, ठीक है। हालांकि हमने इसमें एक्स्ट्रा पेडिंग, हमने कोई अलग अदर डिव रखा नहीं है, तो सजेस्ट उसमें नहीं आ रही, हमने और कोई पेडिंग दी भी नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर पेडिंग दे, जैसे कि यहाँ पे मैं पेडिंग देता हूँ, ठीक है। तो 2 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये 2 पिक्सल्स है, तो थोड़ा सा इफेक्ट इस पे, जैसे इस पे क्या पड़ा नहीं, ठीक है, क्योंकि पेडिंग बॉक्स पे पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता, थोड़ा सा इफेक्ट, जैसे हम जितना देंगे उतना के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैडिंग नहीं दे रहे, यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे हम थोड़े पैडिंग देते हैं, ठीक है। और पैडिंग देंगे तो इसमें देखो, अभी तो ये देखो थोड़े एटमेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम इसे हटाई देते हैं, इसका कोई हमें मतलब नहीं है, इसे 0 कर दो, ठीक है। तो अभी क्यों पैडिंग के बारे में अभी पढ़ नहीं रहे, तो उसके बारे में अभी नहीं बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में हम जो देखते हैं, क्योंकि हमने अभी तक कलर देख चुके हैं, इमेज, रिपीट, पोजीशन, साइजेस, अब ओरिजिन, ओरिजिन के बाद में हमारे पास आता है क्लिप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये हो चुका है, तो अब यहाँ पे एक और हम बैकग्राउंड लेंगे, इसमें लेंगे यू, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली यहीं पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और bg डॉट jpg, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, आ गया ये, ओके, ठीक है। तो अब आपको ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो काफी अच्छा दिख रहा है ये, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करने वाले हैं, जैसे कि हम बैकग्राउंड ब्लेंड को पहले यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक है बैकग्राउंड इसमें आप चेक कर सकते हो, देखो आपको जैसे भी आप कलर्स प्रॉपर्टीज चाहते हो तो वैसे देखो आप डिजाइनिंग लेके आ सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप चाहो ये देखो डिजाइनिंग, ठीक है, काफी अच्छा लगेगा। तो आप इनमें जो भी यूज करना चाहो आप यूज इजीली यूज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। यू कैन यूज एनीथिंग जो आपको सही लगे, जैसे कि मेरे को ये सही लगा तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लेंड मोड है,
ठीक है। और इसके बाद में हम एक और जो देखने वाले हैं वो है बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड क्लिप में भी जैसे आप बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स और पैडिंग बॉक्स दे सकते हो, ठीक है। अभी तो हमारा जो कंटेंट बॉक्स, क्योंकि हमें कंटेंट बॉक्स ये जो ये है उसी को हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्लिप में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो क्लिप हम कौन सा लेंगे, कॉन्टेंट बॉक्स लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास है तो यही है फिलहाल के लिए। तो एक और बचा है जो है हमारा बैकग्राउंड है, और इनमें से जो आप जैसे आपने इन पोजीशन में देखा तो आप एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है, और रिपीट में भी एक्स रिपीट, वाई रिपीट, वो पे आप डायरेक्टली देख सकते हो। अगर वो लिखते हो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप रिपीट लिख दो चलेगा, ठीक है। इसके बाद में हमारी कंप्लीट है, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि कई चीजों को एक साथ कर देगा, ठीक है, मतलब ये बार बार, जैसे ये है कि हमने हर चीज के लिए अलग अलग लिखा, जैसे अटैचमेंट के लिए अलग लिखा, कलर के लिए अलग, इमेज के लिए अलग, ठीक है। तो ये चीजें हम अलग अलग लिख रहे थे, ठीक है, अब ये अलग अलग नहीं लिखना चाहते, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो इसमें सब कुछ क्या है लिखा हुआ, जैसे इमेज, रिपीट, पोजीशन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपको कैसे मिल रहा है, ऐसे अलग अलग लिखना पड़ रहा है, और आपको अगर ये एक ही प्रॉपर्टी में लिखना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अब शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के लिए तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि सिंपली इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो सेव नहीं करना हमें, ठीक है, ठीक है। तो कॉपी, और सिंपली हम चले जाते हैं हमारे एडिटर में, और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक तरीके की प्रॉपर्टीज होगी, आप इसको एक साथ देख पा रहे होंगे। तो हम इसको भी एक बार के लिए सेव कर लेते हैं, और इसके अलावा हमने कुछ और लिया था तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ हमने ये भी लिखा था। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसमें से जो ये प्रॉपर्टीज है इसको हम क्या कर लेते हैं, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी के पास क्या है, हमारे पास पेडिंग्स तो नहीं है हालांकि, लेकिन मार्जिन है, तो मार्जिन को भी हम क्या करते हैं, जीरो कर सकते हैं, आपके पास सेव कर लेते हैं पहले से, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं कि अब एक साथ देने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड लिखा तो मैं सिंपली पहले क्या जो होता है, मैं कलर दे सकता हूँ, जो भी कलर देना चाहूँ, मैं से आप जो भी कलर लेना चाहो, जैसे मैंने ब्लू ले लिया या फिर जो वॉयलेट ले लिया, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। इसके बाद में हम मैं इसी के अंदर थोड़ा स्पेस दिया, ठीक है, और उसमें क्या करता हूँ, मैं इमेज भी दे सकता हूँ। जैसे अगर मान लो अगर ये कलर कब काम करेगा, जब ये काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने यूआरएल दे दिया, ठीक है। अब इस यूआरएल में क्या करूँगा कि मैं सिंपली यहाँ पे दे दूंगा बीजी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया, अभी आपको ये देख रहे हो कि ये भी काम कर रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड आ गया। लेकिन अगर ये इन केस अगर ये बैकग्राउंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है इमेज में आने में, तो ये कलर आपको दिखाएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। फिर इसके बाद में हम देखते हैं ये रिपीटिशन, ठीक है। हम वैसे ये बाय डिफॉल्ट रिपीट हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमें लिखना चाहिए कि रिपीट करे या नहीं करे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं नो रिपीट, ठीक है।
इसे ये रिपीट भी नहीं करेगा दोबारा, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें और जो लिख सकते हैं वो है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल नहीं करना है हमें, फिक्स करना है ये फिक्स्ड, ठीक है। हम क्योंकि हमें स्क्रॉल नहीं करना, ये फिक्स रखना है, तो इसलिए हम इसमें फिक्स भी लिख सकते हो, वे हमें फिक्स करना, ठीक है। इसके बाद में इसकी पोजीशन भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन आप जैसे आपका कहाँ पे चाहते हो, तो सेंटर में चाहते हो, ठीक है, तो सेंटर में मिल जाएगी, आप जो भी इसमें आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे सेंटर देता हूँ सेंटर में, और सेंटर लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो, या लेफ्ट सेंटर राइट जो भी आप देना चाहो वैसे दे सकते हो। तो ये आप फुल्ली आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हमने ये सेंटर दे दिया, तो ये आपको डायरेक्टली भी आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आपने एक और अगर आपको यूआरएल देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे यू आर, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे हम प्रीवियस में क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे थे, यहाँ पे अब ये ऐसा काम नहीं होता, ठीक है। ये भी आप रिमेम्बर रखो, ठीक है, किस तरीके से कंटेंट आप लिख सकते हो, किस तरीके की कंटेंट नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर आप इमेज देना हो तो आपको यहाँ पे केवल एक ही इमेज दे सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी आप अपनी कुछ चेक कर सकते हो, बना सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डबल इमेजेस लेनी है एक साथ, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको जो बैकग्राउंड इमेजेस है वो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। इससे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी से आपको डबल प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, कॉपी कर सकते हो, और आप अपने इसको सीधे सीधे अपने जो ब्राउजर है, सॉरी एडिटर है, यहाँ पे सिंपली आप पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो चाहिए, अब अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और मैंने जो कुछ यहाँ पे जैसे कुछ आपको जो बताया यहाँ पे कुछ नया, जैसे क्लिप्स हो गए, तो ये एक्चुअली बहुत कम रेयरली यूज करते हैं, ठीक है। हमने जो मेनली जिसमें अभी जो हमने आपको जो प्रेजेंटेशन में आपको वही बताया कि कलर्स के बारे में, इमेज रिपीट और पोजिशन साइज के बारे में ही बताया, ठीक है, इनके बारे में और बाकी के बारे में नहीं था जैसे, ठीक है। तो वो क्योंकि हम इनको रेयरली ही हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से उसका उसका नाम नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो फिर भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, कि हम कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।